और अब बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत के 26 मार्च 2010 के भाषण की। गहलोत ने 26 मार्च 2010 को यहाँ पर हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह को संबोधित किया था। क्या कुछ कहा था आप भी सुनिए। राज्य स्तरीय हस्तशिल्प और बुनकर निर्यात पुरस्कार वितरण समारोह में आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, जिन तमाम साथियों को, चाहे वे हस्तशिल्पी हैं, चाहे वे बुनकर हैं, चाहे निर्यातक हैं, उन तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ और उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये समारोह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से कैसे हमारे वो लोग सम्मानित हों, चाहे हस्तशिल्पी हैं जो अपने काम से, कला से, कारीगरी से इस कला को जीवित रखे हुए हैं सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम आगे बढ़ता गया, आज इस मुकाम पर पहुंचा है, जिसको देख के भी आज देश और दुनिया के लोग भी आश्चर्य पड़ जाते हैं। इतनी बारीकी से काम करना, अपना आप में बहुत खूबसूरती से काम करना, देखने वाला भी हतप्रभ हो जाता है। तो इस कला को, इस हस्तशिल्पी को, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से, उसी प्रकार जो बुनकर हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, उनका अपना काम करने का अलग तरीका होता है, उनकी अपनी संस्थाएं अलग काम करती है। मैंने खुद ने, जब मैं केंद्र सरकार में टेक्सटाइल मिनिस्टर था, कपड़ा मंत्री था, तब मैंने कई राज्यों में जाके देखा है, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के गाँव के अंदर, कि कितनी मेहनत से वे, किन परिस्थितियों में वो काम करते हैं, वो देखने काबिल है, सीखने काबिल है, सब बनने के लायक हैं और कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए, ये भाव पैदा करने की स्थिति पैदा होती है। बुनकर का अपना अलग काम करने का तरीका होता है और एक्सपोर्टर का, निर्यातकों का, मैं समझता हूँ हर राज्य के लिए, हर देश के लिए उनकी अलग पहचान होती है। देश की जो आर्थिक स्थिति, देश में जो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाना, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए योगदान जो औद्योगिक घराने देते हैं, उद्योग देते हैं, उसी ढंग से निर्यातकों का अपना अलग महत्व है। निर्यातकों के माध्यम से हम फॉरेन एक्सचेंज भी कमाते हैं, हमारा आर्थिक ढांचा मजबूत होता है और संयोग से राजस्थान के अंदर, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, भीलवाड़ा हो, मुझे बताया गया किस प्रकार से उनको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंसी अवार्ड भी मिला है, मैं उसके लिए उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अलग पहचान है राजस्थान के उद्यमियों की, निर्यातकों की, सब अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो भी संभव होगा उससे आगे बढ़ करके सहयोग करना चाहेंगे, जिससे हमारे यहाँ से अधिक निर्यात हो, निर्यातकों की परेशानियों को सरकार समझे, उनको दूर करने का प्रयास करे, इस सरकार की मंशा रहेगी। बुनकरों का को कैसा पोषण मिले, जब कभी कोई सुझाव आएंगे तो हम लोग हमेशा आगे बढ़ करके उनको हल करने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने कहा, हस्तशिल्पियों के लिए मुझे वापस करने की आवश्यकता नहीं, कैसे ये विधा आगे बढ़े, किस प्रकार से हम प्रोत्साहन दें, मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि सरकार का, समाज का और संस्थाओं का, और कई लोग ऐसे हैं जो लोग आगे बढ़ करके इन कला को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं,
हमारे अपने प्रदेश की अलग खूबी रही है, चाहे वो कलाकार क्यों नहीं हो, हमारी महान जो परंपराएं थी राजस्थान की, हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ के रीति रिवाज, वो भी मायने रखते हैं अलग तरीके से। इसलिए कारीगर भी मैं देखता हूँ, चाहे बाड़मेर चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, शेखावटी में चले जाओ, मेवाड़ में चले जाओ, जयपुर के कहने क्या, हड़ौती के अंदर हो, चाहे वो कोई क्षेत्र हो राजस्थान का, बीकानेर हो, अजमेर हो, सब जगह अलग तरीके से वहाँ पर हस्तशिल्पी काम करते हैं, कारीगर काम करते हैं। जोधपुर में तो एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड काम किए हैं, जो लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट को लेके एक्सपोर्ट सबसे अधिक होता है, सबसे बड़ा योगदान है, तो हमारे वहाँ के जो कारीगर है, जो गांव में बचे हुए थे, दूर दूर के ढाणे में रहते थे, उनके कारण से संभव हुआ। इसलिए जो उनको सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनका अपना अलग महत्व तो होता है, और तो हमें देखना है कि किस प्रकार ये कला आगे बढ़े, उनको मार्केटिंग की सुविधा मिले, डिजाइन अच्छी से अच्छी उनको उपलब्ध हो। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, इसलिए कंप्यूटर के माध्यम से भी कई तरह की नई नई डिजाइनें बनती है, टेक्सटाइल के अंदर बनती है और काम के लिए बनती है, उसका उपयोग कैसे हो, कैसे उनकी सोसाइटी बने, कैसे स्वयं सहायता समूह बने, जिससे कि उनको बैंकों से या अन्य जगहों से सहयोग मिल सके, या अपने काम को बढ़ा सके। और जो आप लोग आज यहाँ पर पधारे हैं, जो सम्मानित होंगे, मैं समझता हूँ कि आपने अपने जीवन पर्यंत जो काम किए हैं, जिस प्रकार आपकी प्रतिबद्धता रही है इस काम के लिए, जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, उसका परिणाम है कि आज आप लोग सम्मान होने के पात्र बने हैं। तो मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त के अंदर आप लोगों के सम्मान प्राप्त करने से नई पीढ़ी के हमारे जो हस्तशिल्पी होंगे, बुनकर होंगे, निर्यातक होंगे, वो प्रेरणा लेंगे, वो भी आगे आएंगे और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, जिससे कि लोगों को मोटिवेट करने में, प्रेरणा में मिलने में सुविधा हो सके। मंत्री जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जो कारीगर है, मजदूर है, उसको भी सुविधा मिले, सम्मान हो। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी कहने के बाद तो बचता ही क्या है, तो आपकी खुद की जिम्मेवारी है कि आप इस काम को कैसे निभाने के लिए। इसलिए ये मुबारक मौका है, सरकार की जो योजनाएँ हैं वो आप लोग अखबार में पढ़ते रहते हैं, सरकार चाहती है राजस्थान में अधिक से अधिक निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ेंगे, जिनकी आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर बेरोजगार, बेकारी कम से कम हो। और अब बात 28 मार्च 2010 के भाषण की करते हैं। 28 मार्च 2010 को दिए गए संबोधन में सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज दशक सम्मान समारोह मुझे भी करने का अवसर मिला। मैं अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से, सबसे पहले मैं इसके आम लोग गणित के निशान है और ये एक नया प्रयोग दशक सम्मान समारोह के रूप में पहली बार हुआ। ये मैं अपनी ओर से आपको तो मेरे विरोध आए हैं पंडित सिंह किसान उनका मैं आगे स्वागत करूँ। ये इस बात का दशक भी है राजस्थान सरकार कृषि को, किसानों को इस प्रकार प्राथमिकता देना चाहती है। हम सब मिल गया है वर्षों से देश में 25% की आबादी गाँव में रहती है, किसान है, किसान उत्पन्नदाता है, किसान मेहनत करता है, किसान के काम में जब फसल डल जाती है तो कैसे आकार से
ज्यादा पढ़ने से ज्ञान रहता है, ज्ञान हृदय रहता है, ज्ञान को कि उसका थोड़ा मुँह से लेता नहीं है, इतनी उम्मीद करता है उसके हिसाब से उसको रेडियो देता नहीं है। और किसान अपने पूरे जीवन पर्यंत जो काम करते धीरे धीरे जमीन की साइज में होती रहती है, घर परिवार बढ़ता है, जमीन क्षति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, धीरे धीरे जोत कम हो जाती है। तमाम हालातों का मुकाबला करते करते आज ज्यादा से जो 60 साल हो गए ज्यादा अर्था हो गया, तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इस प्रकार से यूपीए कांग्रेस आने के बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, वीडियो आ गया किसानों को कृषि को बैठी मिलने लगी, बजट में एलोकेशन ज़्यादा होने लगा, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो कहते हैं एकदम जल्द किए गए। जब मैं पहले मुख्यमंत्री था मुझे याद है इंडियन गवर्नमेंट जब तक मैं 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये बढ़ते थे गाँव के अंदर, मनमोहन सिंह की सरकार आती है 300 रुपये लड़की का जल दिलाया, एक संकेत दिया किसानों को, एक संकेत दिया, संदेश दिया कि भारत सरकार क्या चाहती है, किस प्रकार से कृषकों का भला हो, किस प्रकार से खेती को ऊपर बढ़े, कृषि को प्रायोरिटी मिले। किसानों की आत्महत्या की बात जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके हमारे खुद के दिल में दुख होता था क्या महाराष्ट्र का किसान हो, आंध्र प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी ने सेल ने पहल करी, सोनिया गांधी जो यूपीए गवर्नमेंट के पर्सन हैं बिल्कुल आगे आए, हम सबसे जो हम लोग उसको दिल्ली में थे वर्किंग कमेटी में, हमने बातचीत करी और कहा कि सब कर्दे हैं जो है वो माफ होने चाहिए। तो आज़ादी के बाद में पहली बार दुनिया के इतिहास में करीब 72,000 करोड़ के कर्जे माफ हो गए, और यहाँ तक किया गया खाली कर्जे माफ नहीं होंगे, कर्जे माफ जिनके हो रहे हैं वो चाहेंगे तो वापस उनको लोन मिलेगा, ऐसा नहीं कर्जे माफ कर दिया उनको लोन नहीं मिलेगा। इस प्रकार एक के बाद एक फैसले हो रहे हैं। अभी भी पानी की कमी आपको मालूम है, ड्रिप इरीगेशन की बात की जाती है, स्प्रिंकल की बात की जाती है, ये समझ क्या सकता है, उसमें 70% सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, राजस्थान सरकार सब्सिडी दे रही है, ये प्रयास कर रही है कैसे अधिक से अधिक खेती स्प्रिंकल और ड्रिप इरीगेशन हो। पानी की कमी क्या है राजस्थान के किसानों को, और विशेष रूप से आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रगतिशील किसान है वो प्रगतिशील है इसलिए अन्य किसानों से उसकी सोच प्रोग्रेसिव है, वो जानता है देश में क्या फैसले हो रहे हैं, केंद्र के सरकार में राज्य में क्या फैसले हो रहे हैं, वो जानता है क्या रिसर्च हो रही है। कोई जमाना था जब यूरिया आया था तो कोई अपना तैयार नहीं था, खेत खराब हो जाएगा, जमीन खराब हो जाएगी, डीएपी से यूरिया से पोटाश से एक बढ़ती आया कि लाइन लगने लग गई। आज सरकार सुनिश्चित करती है कि खाद टाइम पे मिले, अच्छे बीज मिले उनको, उन्नत किस्म के बीज मिले, दवाइयाँ अच्छी मिले, प्योर मिले जो इफेक्टिव हो। समय के साथ साथ में जो रिसर्च हुई कृषि के अंदर हमारे वैज्ञानिकों को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जैसे लोगों को इंदिरा गांधी जी के जमाने से ही हरित क्रांति की गई देश के अंदर। आप जो बुजुर्ग बैठे हो तो मालूम है कि कोई जमाना था कि 380 हम भिन्न मांग थे अमेरिका से गेहूँ देने के लिए, कड़क आती थी हम किसी ढंग से लोग चिंता करते बैठे, उस पर आबादी कम थी,
तब भी हम लोग भारतीय को मना करके भारतीय सेवा से निकल रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने आप पे विश्वास किया, देश के किसानों पर विश्वास किया, उनकी मेहनत पर विश्वास किया, बड़े फैसले लिए, हरित क्रांति नाम दिया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद देश आत्मनिर्भर हुआ। ये कोई पूरा जमाने की बात नहीं है, अभी 30-35 साल पहले की बात। ये तमाम आपके विश्वास के आधार पर फैसले होते हैं, किसानों की शक्ति पर, पूरे काम करने के तरीके पर, उनकी जमीन के प्रति प्रतिबद्धता, गांव गरीब का कैसे सुधार हो, क्या उनके आगे कैसे बढ़े, कितने मजदूर को मजदूरी मिले, उस पर विश्वास सरकार का भी है कि हमारे देश के किसान क्या नहीं कर सकते हैं। अन्य मुल्कों के किसानों के मुकाबले में हमारा किसान भी कम मेहनत नहीं करता, ज़्यादा मेहनत करता। जमाना विज्ञान का, तकनीकी का है। राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी में लियाने का सपना देखा था देश को, जिससे कि विज्ञान का, तकनीकी का फायदा हिंदुस्तान के गांव तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे। आज इंटरनेट आ गए, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, इसी में के अच्छे बीज, हाइब्रिड बीज आने लग गए, दवाई अच्छी आने लग गई, नए नए प्रयोग हो रहे हैं खेती के अंदर, आप देख रहे हो। सीएम अशोक गहलोत के 18 फरवरी 2010 का भाषण दिखाते हैं, जो सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित ई गवर्नेंस के 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सारी बातें आपको बताई, संगोष्ठी का विषय बहुत शानदार है, नागरिकों की नज़र में ई गवर्नेंस जो सबसे टच करने वाला विषय है। हम कितनी भी प्रगति कर लें देश में, दुनिया में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, टेलीकम्युनिकेशन में, आईटी क्षेत्र में, उसका लाभ अगर आम आदमी तक नहीं पहुंच सके, गांव तक नहीं पहुंच सके, गरीब तक नहीं पहुंच सके, तो उसका लाभ पूरी तरह कभी मुल्क को मिल नहीं सकता। और ये थीम जो रखी गई है नागरिकों की नज़र में क्या है गवर्नेंस, मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में प्रत्येक नागरिक को संदेश देने वाली साबित होगी। दो दिन आप बैठेंगे संगोष्ठी में, चर्चाएं करेंगे, उसमें कई संदेश जाएंगे, विचार विमर्श की नई बातें सामने आएगी, और एक आम नागरिक को लगेगा कि जो कुछ भी संभव है विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, आईटी में जो क्रांति हुई उसके माध्यम से उसका लाभ हमें कैसे मिल सकेगा। उसकी शुरुआत तो वैसे देश में हो चुकी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा कि राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी में मुल्क को ले जाने का। उस वक्त कई लोगों ने आलोचना भी करी थी राजीव गांधी जी की भी, कि स्वतः ही जाएगा मुल्क 21st सेंचुरी में, राजीव गांधी क्या कहना चाहते हैं। उनका मकसद वही था, जो बाद में वो तो नहीं रहे दुनिया के अंदर, और आज लोहा मान गई पूरी दुनिया के मुल्क, उनकी दूरदृष्टि थी। इस देश का नागरिक समझ गया कि वास्तव में जब पहली बार एक्सचेंज आए, इलेक्ट्रिक एक्सचेंज आए टेलीफोन के अंदर, उसके पहले के हालात थे, हम लोग 2-3-4 दिन बात नहीं कर पाते थे दिल्ली और बॉम्बे के अंदर। टेलीफोन की नई तकनीक आई, एसटी बूथ लगे गली गली के अंदर, मोबाइल फोन आए, कंप्यूटर आ गए घर घर के अंदर, इंटरनेट ईमेल सुविधा मिल गई पूरे देशवासियों को, और हर खेत में काम करने वाली महिला भी है, तिले में मजदूर भी काम करता है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, उसको भी एहसास हुआ 21st सेंचुरी के मायने ये थे कि समय रहते हुए जो 15 साल हमारे पास बचे हुए हैं 85 में, जब उन्होंने कहा था पहली बार राजीव गांधी ने कि 15 साल में हमें इस प्रकार तैयारी करनी चाहिए जिससे कि जब हम 21st सेंचुरी में प्रवेश करें तब हम भी इस रूप में विकसित राष्ट्रों के समकक्ष आके खड़े होने का प्रयास करें,
इतना बड़ा गैप नहीं हो जाएगा, हम लोग 21st सेंचुरी में भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सके, ये उनकी सोच थी। और मैं कहते हूँ गर्व है कि आज जिस प्रकार उनके फैसले थे, मिशन मोड के थे या IT सेक्टर के थे, सेम्पिल्डर की तरह के जो बुलाए गए, जो हमारे अपने देशवासी थे, NRI थे, एक माहौल बनाया गया, उसका लाभ पूरे मुल्क ने देखा और आज देख रहे हैं। और मेरी दृष्टि में इस संगोष्ठी के माने राजस्थान में मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं पहले बार मुख्यमंत्री था 8 साल पहले भी, तब भी इसी प्रकार की कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर की ई गवर्नेंस पे यहाँ पर हुई थी। आज दोबारा यहाँ पर हो रही, इसलिए मैं पृथ्वीराज चौहान साहब को, इनके विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहूँ। और मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान जैसा राज्य जो देश के अंदर भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन चुका है, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में, यहाँ पर ज्योग्राफिकल जो एरिया है इतना लंबा चौड़ा है, हमारे यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है, सर्विस प्रोवाइड होती है गाँव के अंदर, ठाणे में लोग बैठे हुए दूर दराज में, उसकी कॉस्ट अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा आती है। तो वहाँ पर एजुकेशन की बात करें, वहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, वहाँ प्रशिक्षण देने की बात करें, वहाँ के व्यक्ति चल के आएगा जिला मुख्यालय पर, संभाग के मुख्यालय पर, तो उसको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। उस राज्य के लोगों के लिए तो ये वरदान साबित होगी IT और आपका संदेश जो यहाँ से जाएगा, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं IT सेक्टर की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का भी इसके साथ में गहरा रिश्ता है। और आज सुबह ही हमें स्पेस डिपार्टमेंट के माध्यम से एक MOU साइन हुआ है राजस्थान के अंदर। अब हमारी तमाम पंचायत समिति जुड़ने जा रही है, इसे हम लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर टेली मेडिसिन की सुविधाएँ की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, विभिन्न डिपार्टमेंट की सर्विस प्रोवाइड करने की बात करें, तो आसानी से मिल सकती है। इस प्रकार की सोच के साथ में मैं समझता हूँ कि जो शुरुआत पूरे देश में हुई है, मुझे खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी जो नई शुरुआत करी है टैलेंट सर्च की स्टूडेंट्स के अंदर, जिसका प्रोग्राम भी आज सुबह संपन्न हुआ, राज चौहान साहब ने करीब 17 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप रिवार्ड के रूप में 35,000 बच्चों को बांटने का आज फैसला नहीं किया, बल्कि आज शुरुआत कर दी उसकी, और करीब 100 बच्चों को आज मिल भी चुकी है। इस प्रकार से जो विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, IT में, कम्युनिकेशन में, जो UP गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेक्टर बने हैं, इसका लाभ आने वाले वक्त में और बड़े रूप में देखने को मिलेगा। और हमारी गवर्नमेंट ने भी IT सेक्टर को प्रायोरिटी दी है, हमारा राजकोम और IT एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का IUC श्रेणी में आ चुका है। पिछले बजट में मैंने खुद ने, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, कि 3% हर विभाग के अंदर हमने IT सेक्टर में खर्च करने के लिए रखा, ये पहली बार होगा देश के अंदर। एक माहौल बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर व्यक्ति को IT के महत्व का एहसास इस रूप में हो कि खाली मुझे सीखने में हो सकता है तकलीफ आ रही होगी, मेरा माइंडसेट नहीं बदल रहा होगा, अगर मैं सीखूंगा तो उसका लाभ कैसे मिलेगा आम जनता को। IT को हमें अपनाना पड़ेगा, IT के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग लाभ पहुंचाएं आम आदमी को, उस दिशा में जाना पड़ेगा हम लोगों को। हमने ई मित्र योजना शुरू की थी 7 साल 8 साल पहले राजस्थान के अंदर, और अब तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद में तो पिछली गवर्नमेंट वक्त में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना भी हुई, और काफ़ी जगह पर हमारे क्योर्स लगे हैं, काफ़ी जगह पर कंप्यूटर को सीखने के प्रशिक्षण केंद्र बने हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान इस दिशा में
किस तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। अभी आपने लहरी शो के माध्यम से उसी जगह देखी, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की शुभकामनाओं से, आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में हमारे सरकार का विभाग और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ेगा। और अभी के इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।